श्री श्री सालासर हनुमान जयंती महोत्सव समिति के तत्वावधान में सालासर हनुमान जयंती पर शुक्रवार को शमनो कामना पूर्ण पद यात्रा निकाली गई। लक्ष्मी नारायण मंदिर साहबगंज से शुरू पद यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शामिल होकर हनुमान जी के प्रति अपनी आस्था व श्रद्धा निवेदित की। मुख्य अतिथि नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल व विशिष्ट अतिथि महापौर सीताराम जायसवाल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु पद यात्रा में शामिल हुए। पद यात्रा में श्रद्धालु 251 ध्वज लहराते चल रहे थे। बड़ी संख्या में घोड़ी बैंड झांकी व श्रद्धालु आकर्षण के केंद्र थे। वातावरण भजनों के बोल व जय घोष से गूंज रहा था। इस अवसर पर श्री श्री सालासर हनुमान जयंती महोत्सव समिति के आयोजक अनूप अग्रहरी ने बताया कि श्री श्री सालासर हनुमान जयंती पर पद यात्रा लक्ष्मी नारायण मंदिर साहबगंज से शुरू होकर खूनीपुर इस्माइलपुर चौरैया गोला बख्शीपुर नखास चौक रेती घंटाघर लालडिगी होते हुए आवल बांध स्थित हनुमानगढ़ी पहुंचकर समाप्त होगी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए श्री श्री सालासर हनुमान जयंती महोत्सव समिति के आयोजक अनूप अग्रहरी ने कहा। श्री सालासर हनुमान जी का जन्म महोत्सव है जो चैत पूर्णिमा के दिन पड़ता है, और आज हम लोग
श्री सालासर हनुमान जयंती महोत्सव समिति के लोग मिलजुल करके आपसी एकजुटता को बढ़ाते हुए और विभिन्न मोहल्लों से ये शोभा यात्रा मनोकामना पूर्ण पद यात्रा हम लोग निकाले हैं, जो खुनीपुर, चौरिया गोला, बख्शीपुर, रेती, घंटाघर, मदरसा होते हुए लालडिगी हनुमानगढ़ी मंदिर पर पहुँचेगी, जहाँ पर शाम को भजन संध्या का कार्यक्रम है। भजन संध्या में हमारे बीच श्री ललित सूरी जी, जो अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक हैं, एवं हरियाणा से पधार रही गुंजन जी भजन प्रस्तुत करेंगी, और साथ में वहाँ पर हजारों भक्तों के लिए महाप्रसाद भंडारा का आयोजन किया गया है, जो रात में 9 बजे से प्रारंभ होगा। इसमें महानगर के सभी वासियों को हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं एवं आमंत्रित करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में सपरिवार सम्मिलित हों और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें।